शेखुपुरा में महफिल पाक थी। पीर सुल्तान फैयाज अल हसन साहब दामन बरकात कुदसिया अलीम भाई, तो उस्मान भाई वहाँ लाहौर से स्पेशली महफिल पाक में गए और उस दिन भी इनकी यही फरमाइश थी और आज भी। पहले मैं इसी इनकी फरमाइश से आगाज़ कर रहा हूँ। हमारे बड़े प्यारे भाई मुबशर भट्टी साहब, जिनकी विसातत से मैं यहाँ हाजिर हुआ, अभी माशाल्लाह उमरा शरीफ भी करके आए, मदीना पाक की हाजिरी से लौटे, अल्लाह करीम मुबारक फरमाए, अल्लाह सबको मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। एक वली कामिल का कलाम है ये। जब नात पढ़ी मैंने तो हम साए हमारे, जब नात पढ़ी हमारे, खुशबू से महकता मेरा घर देखने आए, खुशबू खुशबू है दो आलम में तेरी है, गुले चीदा किस्म से बयां सनका अकमलका सुबहान लामा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका किते मेरे अली किते ते जा अड़िया किस्म से बयां तेरे औसाफ़े हमीदा जेना
शान तेरी विच आया फिर किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा किस्मों बाद की सरजमीन थी और रिजवी साहब ने मुझे और सबके पसंदीदा आलम दीन सनाकान रसूल हज़रत खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह दावत दी। मैंने ये नाज शरीफ शुरू की खुशबू है दो आलम में, फिर खालिद भाई ने मेरा साथ दिया और आप यकीन करें रिजवी साहब, मैं अक्सर व बेशतर सफ़र में उस महफिल की रिकॉर्डिंग बड़े गौर से देखता भी हूँ और दिल से सुनता भी हूँ। अल्लाह देखो दिल से दिल को राह होती है। मैं ये बात कर रहा हूँ और रिजवी साहब कह रहे हैं कि आशा जी तुसी ये कलाम शुरू की तहते हो मंजर मेरी अखा आगे आ गया। अल्लाह करीम खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह के बेपनाह दर्जात बुलंद फरमाए। किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा खैरा मगर किया मैं वो जिस तरह का
میں پیش کر رہا ہوں جس کی بے حد فرمائش ہے.